PM Awas Yojana. Three crore additional houses under the PM Avas Yojana in rural and urban areas in the country will, have been announced for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development. The budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. The signals, this signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. PM Awas Yojana 3 crore additional houses. Under the PM Awas Yojana, in rural and urban areas in the country, will, have been announced for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than three lakh crore for schemes benefiting women and girls. Signals, signals दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के अंतर्गत बड़ी अपडेट आ चुका है जिसमें दोस्तों पीएम मोदी द्वारा बड़ी घोषणा कर दिया गया है पूरे भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के अंतर्गत तीन नया नियम लागू कर दिया गया है जिससे पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी गरीब हैं जितने भी मजदूर हैं जितने भी महिला हैं सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा इसी कारण दोस्तों तीन नया नियम लागू कर दिया गया है जिसे आप लोगों को जानना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है तो क्या क्या नया अपडेट आ चुका है क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है और किन किन राज्य के अंतर्गत नया नियम लागू कर दिया गया है आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बताएंगे तो इसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है तभी जाकर आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स में पता चलेगा कि क्या क्या बड़ी अपडेट आ चुका है क्या क्या नया नियम लागू कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 और 25 के अंतर्गत तो दोस्तों इससे पहले आप आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप लाइक करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट आ चुका है जिसमें दोस्तों पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा कर दिया गया है पूरे भारत के अंदर गत जितने भी गरीब हैं जितने भी माध्यम वर्ग के लोगों हैं जितने भी महिला हैं सभी को अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा जिसका दोस्तों आवेदन भी होना शुरू हो चुका है सभी के दोस्तों पंचायत कार्यालय पर एक कैंप लगा जा रहा है दोस्तों उसी कैंप के मदद से दोस्तों लाभार्थियों का दोस्तों रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद लाभार्थियों को तीन महीने के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा जो भी दोस्तों लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करेगा और आवेदन करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल होते ही उसको दोस्तों तीन महीने के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा जैसे ही दोस्तों लाभार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद लाभार्थियों को दोस्तों फेली किस्का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा इसके बाद दोस्तों एक महीने के अंतर्गत उसको दोस्तों दूसरी किस्त का पैसा दिया जाएगा इसके बाद दोस्तों दो महीने के अंतर्गत उसको तीसरी किस्त का पैसा दिया जाएगा जिसमें दोस्तों कंप्लीट पैसा दिया जाएगा

जिसमें दोस्तों आप लोगों को बारह हजार और तेरह हजार मिलता था जिसमें दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्र के अंदर आते हैं उन्हें हजार। और दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आते थे उन्हें दोस्तों हजार दिया जा रहा था उसमें सात हजार का सब्सिडी भी ऐड कर दिया गया है जिसमें आप लोगों को मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नौ हजार और दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आरस लाख दिया जाएगा ये दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा बड़ी अपडेट आ चुका है और दोस्तों जो आखिरी बड़ी अपडेट आ चुका है जिसमें दोस्तों जितने भी लाभार्थी 2023 हजार के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किए थे और जिन सभी लाभार्थियों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है किसी का दोस्तों पैसा पेंडिंग कर दिया गया है किसी को दोस्तों अभी तक दोस्तों

जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 3000/ थाउजेंड स्लैश रुपये मासिक पेंशन दी जाती है यह भारत सरकार की योजना है इस योजना में भारत के सभी राज्यों के लोग आवेदन करके 3000/ थाउजेंड स्लैश रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दी जाएगी इस योजना के तहत मजदूर की 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर हर महीने थ्री की पेंशन दी जाएगी यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है इस योजना के तहत भारत के सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं वर्टिकल बार इस योजना का लाभ लेने के नियम व शर्तें क्या है इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का ई श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिए इस योजना में सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूर ही आवेदन कर सकते हैं अगर किसी श्रमिक का एनपीएस ई की या ईपीएफ कटता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे करता है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकता यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति पत्नी इस योजना को आगे शुरू रख सकता है और आगे का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वह उसे भरना होगा वह 60 वर्ष की आयु होने के बाद उस व्यक्ति की 3000 थाउजेंड स्लैश रुपये की मासिक पेंशन लग जाएगी आवेदक की मृत्यु हो जाने पर अगर नॉमिनी चाहे तो इस योजना को बंद भी करवा सकता है जितनी राशि आवेदक द्वारा भरी गई थी उतनी राशि ब्याज ब्याज दर सेविंग एसी के अनुसार दी जाएगी सहित नॉमिनी को वापस दे दी जाएगी इस योजना में आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की एजुकेशन की जरूरत नहीं है अनपढ़ से लेकर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है आवेदक की मृत्यु के बाद उसके स्पाउस को इस योजना का लाभ मिलेगा वर्टिकल बार इसमें स्पाउस को 50 परसेंट पेंशन दी जाएगी आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक श्रमिक बोर्ड का पंजीयन क्रमांक पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर मूल निवासी प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करें? यदि आप प्राधान मैंट्री श्राम योगी मैनधन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर सी पर जाना होगा यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है और सी के माध्यम से श्रमिकों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं वहां जाकर आपको अपनी जानकारी के साथ पंजीकरण कराना होगा और निवेश की राशि का चयन करना होगा इस योजना में आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा अपने नजदीकी बैंक शाखा में भी जा सकते हैं जिस भी बैंक में आपका बचत खाता है वहां जाकर आप प्राधान मंत्री श्राम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद आपको Rs तीन हजार तक की मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक काफी शानदार योजना चलाई जा रही है जिसका नाम पीएम विश्वकर्मा योजना है इस योजना के तहत खासकर हम आपको बता दें जो छोटे कारीगर है या जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं उनके लिए यह काफी वरदान साबित होने वाली योजना है क्योंकि यह योजना काफी कल्याणकारी है और इस योजना का लाभ जो है हर एक राज्य के व्यक्ति ले सकते हैं कारपेंटर लोहार हैमर और टूल किट मेकर सोनार कुम्हार मूर्तिकार स्टोन कार्वर ब्रेकर कोपलैंड राजमिस्त्री बास्केट मेकर मैट मेकर ट्वाई मेकर नाई मालाकार धोबी दर्जी वासिंग नेट मेकर